हेलो फ्रेंड्स, आइए देखिए कयोटी फॉल। मैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने आया हूँ, आपको एक मतलब नेचर की खूबसूरती दिखाने आया हूँ। ये आपको इलाहाबाद से करीब, जो आजकल प्रयागराज हो गया वैसे, ये करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप इसको देखेंगे तो आपने बड़े बड़े, आप हिमाचल चले जाइए, कहीं चले जाइए पहाड़ी इलाके में, वहाँ बहुत सारे आपको वाटरफॉल दिखाई देंगे, लेकिन कंपेरिजन में आप इसको देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत है। भी आप यहाँ आके ही देख पाएंगे, एक फ़ोटो में आपको एक हल्का सी आपको ग्लिम्स मिल जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उतनी आपको समझ आए, लेकिन एक अंदाज़ा मिल जाएगा। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुँचती रहे। वर्ष 2021 के अगस्त महीने में मैं प्रयागराज में था, वहाँ से मैंने कियोटी वाटरफॉल विजिट किया। प्रयागराज से इसकी दूरी 100 किलोमीटर के लगभग है, जिसे आप लगभग 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। केओटी वाटरफॉल, जिसे केवटी वाटरफॉल भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह भारत का 24वां सबसे ऊंचा झरना है। बहुत दिनों से टीवी में ऐड नहीं देखा, इनक्रेडिबल एमपी वाला काफ़ी दिनों से नहीं देखा, तो मैंने सोचा इसको रिकॉल करते हैं। तो एमपी यूं ही इनक्रेडिबल नहीं है, अगर आप यहाँ की खूबसूरती देखें तो जर्रे जर्रे में खूबसूरती है। मध्य प्रदेश अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तो जाहिर सी बात है कि हर कदम पर आपको एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ के जंगल, नदियाँ और झरने इतने मनमोहक हैं कि पहली नज़र में ही आपको इनसे प्यार हो जाता है। झरने के आसपास का वातावरण हरियाली से भरपूर और नदी के बहते कल कल छन छन करते पानी की आवाज़ में एक प्रकार का सम्मोहन है। यदि आप परिवार और मित्रों के साथ सुखद समय बिताने के लिए किसी पर्यटन स्थल की खोज कर रहे हैं तो आपको केओटी फॉल जरूर विजिट करना चाहिए। केओटी वाटरफॉल महाना नदी पर स्थित है, जो कि तमसा या टोंस नदी की सहायक नदी है। इस वाटरफॉल की ऊंचाई 322 फीट है। इस झरने के आखिरी क्लाइमेक्स को देखने चलते हैं, इसका जो विशाल रूप है उसको आगे आपको दिखाते हैं। बहुत से लोगों को इसके बारे में कम पता होगा, बट आप एक बार देखेंगे तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये कितना अच्छा है, कितना विशाल है। यहाँ के प्राकृतिक खजाने में केओटी फॉल की तुलना यदि कोहिनूर हीरे से की जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। यह मध्य प्रदेश के सबसे सुंदर और विशाल झरनों में से एक है। इस झरने पर सनसेट और सनराइज का जो व्यू है उसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा केओटी वाटरफॉल का सफर। आशा है आपने हमारे साथ यह सफर एंजॉय किया होगा। अंत में आपसे हमारा आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए सफर में एक नई मंजिल के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।